पिछले 25 दिन से गुजरात में युवा बेरोजगारों का सत्याग्रह जारी है। हमने यहाँ काली दिवाली बनाई, सरकार से अपील की और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिभावक मानकर गुहार की, लेकिन अभी तक सरकार ने 25 दिन से युवा बेरोजगारों की सुध नहीं ली, जिसमें कई बेटियां भी शामिल है। लगातार अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने 23 फरवरी 2021 को विधानसभा में जब बजट सत्र के दौरान किसान आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सरकारों को जिद नहीं करनी चाहिए, जिद छोड़कर वार्ता करकर समस्याओं को निस्तारण करना चाहिए, और वही हालात इस कांग्रेस सरकार में फिर से हमारे बने हुए हैं। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों को भेजकर समझौता करवाया था, वो मांगे अधूरी है। चाहे मंत्रियों के लिखित समझौते की मांगे हो, चाहे लखनऊ समझौते की मांगे हो, और जो तमाम बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन किए गए उन मांगों के जो उन्होंने समझौते किए, वो मांग भी आज अधूरी है। उन मांगों को पूरा कराने के लिए हम गुजरात में लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। 25 दिन हो चुके हैं, 2 बार हिरासत में जा चुके हैं, कांग्रेस कार्यालय के सामने हमने काली दिवाली बनाई है, और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती, मुख्यमंत्री जी हमारे प्रतिनिधिमंडल की आपसे वार्ता नहीं हो जाती, हम राजस्थान नहीं लौटेंगे। लौटेगी तो हमारी लाशें लौटेगी, अंतिम सांस तक हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि सरकार ने वादे किए थे। तो हम पुनः अपील कर रहे हैं, संवेदनशीलता दिखाई, हमारी मांगे पूरी करो। 25वां दिन है, चाहे 25 महीने हो जाए, हम हटने वाले नहीं है। आंदोलन उग्र होगा और कोई अनहोनी होती है इसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार होगी। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।